दोस्तों पिछले महीने ही भारत और रूस के द्वारा एक नया ही इतिहास रचते हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे ने एक नया कीर्तिमान रचते हुए इस गलियारे के जरिए पहली बार रूस के द्वारा कोयले से लदी हुई दो ट्रेनें भारत की ओर रवाना कर दी गई थी। ये ट्रेनें रूस के साइबेरिया से चलती हुई ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह तक पहुंचकर वहां से कोयले को जहाजों पर लादकर भारत के मुंबई बंदरगाह पर पहुंचाया गया था। भारत और रूस के बीच बने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ने इतिहास रच दिया है। इस कॉरिडोर के रास्ते पहली बार भारत की ओर जाने वाली दो ट्रेनें रवाना हुई थी। कुंजबाज से भारत की ओर आने वाली दो ट्रेनें उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर के रास्ते यात्रा पर निकले इस सफर को पूरा किया है। रूसी रेलवे ने दो ट्रेनों के रवाना होने की पुष्टि कर दी है। इस ट्रेनों की यात्रा साइबेरिया से शुरू हुई, फिर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास पर पहुंची। इसके बाद ट्रेनों में लादा गया कोयला जहाजों पर लाद मुंबई के बंदरगाह पर लाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का एक 7500 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। इस मार्ग में मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूसी संघ से जहाज, रेल और सड़क के माध्यम से माल को ले जाना और लाना शामिल है। गलियारे का उद्देश्य मुंबई, मास्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्तराखान, बंदर अंजलि आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क को बढ़ाना है। आपको बता दें कि 2014 में दो मार्गों का ड्राई रन किया गया था। पहला तो मुंबई से बाकू वाया बंदर अब्बास और दूसरी मुंबई से अस्तराखान वाया बंदर अब्बास, तेहरान और बंदर अंजलि विचाराधीन अन्य मार्गों में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते शामिल हैं। और इस गलियारे को असगाबात समझौते के साथ भी जोड़ा जाएगा, जो भारत 2018, ओमान 2011, ईरान 2011, तुर्कमेनिस्तान 2011, उज्बेकिस्तान 2011, कजाकिस्तान 2015 द्वारा हस्ताक्षरित एक मल्टी मॉडल परिवहन समझौता है, जिसका उद्देश्य मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच माल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा बनाना है। इस मार्ग के जनवरी 2018 के मध्य तक चालू होने की पूरी उम्मीद थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट अपने समय से काफी पीछे चल रहा है, लेकिन इसको अब तैयार कर रूस के द्वारा ये दो ट्रेनों को भेजकर माल की ढुलाई की भी शुरुआत कर दी गई है। यानी कि भारत का अब मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने का सपना पूरा हो गया है।